आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो। अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गाँव-गाँव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा, यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज जी तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें।
गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। राहुल गांधी का आरोप, प्रधानमंत्री मोदी जनता को कर रहे हैं गुमराह। नक्सलियों का हमला, दूरदर्शन के कैमरामैन और दो जवानों की मौत। शिवराज के बेटे ने किया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला, राहुल ने खेद व्यक्त किया। महिला आयकर अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ी गई, सीबीआई ने की कार्यवाही।
और आचार्य विद्यासागर जी के दर्शन के लिए 1200 किलोमीटर की पदयात्रा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज सवाल किया कि अच्छे दिन कब आएंगे। मध्य प्रदेश के धार में एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने धार में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता को गुमराह कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी ने वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन जनता अब परेशान है। प्रधानमंत्री ने यह नहीं बताया कि वे किसके चौकीदार हैं। मोदी मेहुल, नीरव और माल्या के चौकीदार हैं। भाई और बहनों, रात के 2 बजे अपने सीबीआई डायरेक्टर को देश का चौकीदार उठा के बाहर फेंकता है, क्योंकि देश का चौकीदार डरता है कि राफेल में इंक्वायरी ना हो जाए, क्योंकि अगर राफेल में इंक्वायरी हो जाएगी तो दो नाम निकलेंगे, एक तरफ अनिल अंबानी और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, आपको ये नहीं बताया कि किसकी चौकीदारी करना चाहते थे। वो आपके चौकीदार नहीं है, वो मेहुल चौकसी के, अनिल अंबानी के, नीरव मोदी के और विजय माल्या के चौकीदार। लंबे लंबे भाषण, पहले नारा हुआ करता था, मोदी जी कहते थे अच्छे दिन, और जनता कहती थी आएंगे अच्छे दिन, आएंगे अच्छे दिन, आएंगे। अब जनता कहती है नहीं, सॉरी, अब हम कहते हैं चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। ये देखिए 4 साल में क्या बदलाव आया। अच्छे दिन आएंगे, चौकीदार चोर है। अच्छे दिन आएंगे, चौकीदार चोर है। राहुल गांधी ने कहा राफेल डील पर बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। सीबीआई के डायरेक्टर कहते हैं कि विमान खरीदने में भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने कहा कि पीएम केवल उद्योगपतियों के लिए सोचते हैं, गरीबों का पैसा उन्होंने अमीरों को सौंप दिया है। उन्होंने कहा कि अमीरों का नहीं, गरीबों का कर्ज माफ होना चाहिए। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने युवाओं, किसान और मजदूरों के लिए कुछ भी नहीं किया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में दूरदर्शन की टीम पर नक्सलियों ने हमला कर दिया, जिसमें दूरदर्शन के कैमरामैन सहित 3 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ भी हुई। दंतेवाड़ा में नीलवाया के जंगलों में पुलिस बल पर नक्सलवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एसआई रुद्र प्रताप सिंह और सहायक आरक्षक मंगलू मंडवी मुठभेड़ में शहीद हो गए, जबकि 2 अन्य जवान राकेश कौशल और विष्णु नेताम गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस हमले में दिल्ली से आई डीडी न्यूज के कैमरामैन की भी मौत हो गई। दूरदर्शन की टीम कॉम्बिनिंग गश्त की शूट कर रही थी। डीडी न्यूज के कैमरामैन को क्रॉस फायरिंग के दौरान गोली लगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पुलिस बल पर नक्सल हमले की कड़ी शब्दों में निंदा की है। डॉक्टर सिंह ने इस मामले में पुलिस के 2 जवानों, दूरदर्शन नई दिल्ली के 1 कैमरामैन की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। अब आज घटना हुई है और उस घटना में एक पत्रकार भी उस ब्रीफिंग के लिए, ये नक्सली सिर्फ और सिर्फ आतंक और भय फैलाना चाहते हैं। वो चाहे पेपर प्रेस के लोग हों, चाहे राजनीतिक दल के लोग हों, कांग्रेस बीजेपी, उससे फर्क नहीं। उनके लिए तो सिर्फ समाचार बनाने का है। और यही हिंसा के खिलाफ तो हम लगातार लड़ रहे हैं, इन्हें के खिलाफ तो पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों का जनमत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो चुनाव को डिस्टर्ब करने के लिए, भय पैदा करने के लिए कर रहे हैं, आज इसका मुंहतोड़ जवाब पुलिस देगी।
उन्होंने इस हमले की तीव्र निंदा करते हुए कहा कि यह नक्सलियों की कायरतापूर्ण और शर्मनाक हरकत है। शहीद जवान और कैमरामैन निर्वाचन जैसे राष्ट्रीय कार्य के लिए अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, उन पर हमला करके नक्सलियों ने देश के लोकतंत्र पर हमला किया है, जो निंदनीय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान के खिलाफ बयान देने के मामले में भले ही राहुल गांधी ने अपनी सफाई दे दी हो, लेकिन उनकी मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि कार्तिकेय चौहान ने भोपाल में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय चौहान का नाम पनामा पेपर कांड से जोड़ दिया था। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी, लेकिन इधर भोपाल में न्यायाधीश सुरेश सिंह की कोर्ट में कार्तिकेय सिंह चौहान की तरफ से अधिवक्ता शिरीष श्रीवास्तव ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद पेश किया है। इस मामले में 3 नवम्बर को सुबह 11 बजे गवाही का वक्त तय किया गया है। मानहानि का परिवाद दायर करने के लिए कार्तिकेय चौहान के वकील ने कोर्ट में सबूत के तौर पर अखबार की कटिंग और टीवी न्यूज चैनलों में चले राहुल गांधी के बयान का हवाला दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने सोमवार को झाबुआ की रैली में शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह का नाम पनामा पेपर में आने की बात कही थी। मामा जी के जो बेटे हैं, उनका नाम निकलता है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम निकलता है, पाकिस्तान जैसे देश में उसको जेल में डाल देते हैं, मगर यहां चीफ मिनिस्टर का बेटा उसका नाम पैरामेडिकल पेपर में निकलता है। राहुल के इस विवादास्पद बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय चौहान ने ट्वीट कर राहुल गांधी के बयान पर आपत्ति जताई थी और मानहानि का केस दर्ज कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद राहुल गांधी ने आज इंदौर में अपने इस बयान पर सफाई देते हुए कहा कि भाजपा के शासन में कई राज्यों में इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि मैं कन्फ्यूज हो गया था और गलती से शिवराज सिंह के बेटे कार्तिकेय का नाम ले दिया। और फ्रेंकली छत्तीसगढ़ जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, तेलंगाना जाता हूँ, इतना भैया तेलंगाना जाता हूँ, राजस्थान जाता हूँ, और बीजेपी का इतना भ्रष्टाचार है, दाएं बाएं इतने स्कैम्स हैं कि मैं कल कंफ्यूज हो गया। कल मैंने कंफ्यूज हो गया, कल मैंने सोचा कि पैनामा पेपर वाले इतना कंफ्यूज है, इतने स्कैम्स है कि मैंने सोचा भाई पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने किया, नहीं पैनामा वाला मध्य प्रदेश के सीएम ने नहीं किया, मगर व्यापम वाला और वो ई टेंडरिंग वाला जरूर मध्य प्रदेश के सीएम। यह हमला अब राजनीतिक रंग लेता नजर आ रहा है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के पुत्र कार्तिकेय इस मामले को अदालत में ले गए हैं। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप जुड़े रहिए दखल न्यूज से। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर,
दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव, हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव, मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं
और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने। सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया और कहा राहुल ने उनकी मानहानि की है। बुधनी विधानसभा के नरसुल्लागंज में अपने पिता सीएम शिवराज सिंह चौहान के लिए मतदाताओं से आशीर्वाद मांगने पहुंचे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर तलख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि देश की जिम्मेदार और पुरानी कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक जिम्मेदार राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के बेतुके बयान से वह व्यथित हैं। राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से उनकी मानहानि की, अगर वैसे ही वह सार्वजनिक मंच से माफी मांगे। इसमें राहुल गांधी जी ने ये आरोप लगाया कि पनामा पेपर लीक्स में मेरा नाम उस सूची में है। ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद और निराधार है। इन आरोपों में कोई भी मैटर नहीं है। धारा 499 आईपीसी के तहत मानहानि का दावा हम कोर्ट में करने जा रहे हैं उनके खिलाफ, और जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते, जिस प्रकार उन्होंने सार्वजनिक मंच से मेरे और मेरे परिवार का नाम खराब करने का काम किया है, उसी प्रकार उन्हें सार्वजनिक किसी मंच से ही या फिर किसी सार्वजनिक व्यवस्था से ही माफ़ी मांगनी होगी, नहीं तो हम लोग कोर्ट का दरवाज़ा उनके खिलाफ खटखटाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी गृह विधानसभा बुधनी में चुनाव प्रचार न करने का ऐलान किया है। ऐसे में नामांकन से ठीक पहले उनके पुत्र कार्तिकेय ने चुनाव की कमान अपने हाथों में ले ली है। कार्तिकेय ने नरसुल्लागंज स्थित खारी गांव में एक सभा को भी संबोधित किया। राजगढ़ में सीबीआई ने 40,000 की घूस लेते महिला इनकम टैक्स अफसर को रंगे हाथों पकड़ा है। इस महिला अफसर की शिकायत सीबीआई से की गई थी, जिसके बाद सीबीआई ने अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया।
सीबीआई की टीम ने एक शख्स की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए राजगढ़ में महिला आयकर अफसर को 40,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। महिला अफसर का नाम श्रीजा अनिल कुमार है, जो राजगढ़ में पदस्थ है। फिलहाल सीबीआई की टीम रिश्वत लेते हुए पकड़ी गई आयकर अफसर को भोपाल ले आई है। सीबीआई की टीम ने महिला अफसर को उस वक्त रंगे हाथ पकड़ा जब वो फरियादी महेश शर्मा से घूस के 40,000 रुपए ले रही थी। यह है कि आयकर कार्यालय द्वारा मेरे से जानकारी मंगाई गई थी, मेरा वित्तीय वर्ष 10-11 की असिस्टेंट 11-12 बोलते हैं, तो इसमें मेरे द्वारा जो है 16 तारीख को आके डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। उस संबंध में इनके द्वारा जो मैडम है श्री अनिल कुमार, इनके द्वारा मेरे से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट व अन्य जानकारी मांगी गई थी। 23 तारीख को मैंने सारे डॉक्यूमेंट सीए से कंप्लीट करवाकर जमा कर दिए थे। तो 23 तारीख को ही मैडम ने कहा था कि भाई इसमें और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, और अगर इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपने जो ऑनलाइन कर दिया है सब काम कम्प्लीट कर दिया है, तो उसके लिए अगर मैं एक्सेप्ट करूँगी तो 1,00,000 रुपये आपको देना पड़ेगा मेरे को, ऐसा मैडम ने कहा था। और अगर आप नहीं देते हैं तो फिर 3,00,000 की पेनल्टी भी लग सकती है आपके ऊपर, तो इसलिए आप जो है मुझे करें। तो उस समय मैं मैडम से टाइम मांगकर आ गया था और फिर मैंने इसकी शिकायत सीबीआई भोपाल दी थी। दरअसल फरियादी महेश शर्मा नरसिंहगढ़ तहसील में बैंक का कियोस्क सेंटर चलाते हैं। महेश शर्मा की माने तो उनसे आयकर विभाग ने 16 अक्टूबर को वित्तीय वर्ष 2011-12 के असेसमेंट से जुड़ी जानकारी मांगी थी। 23 अक्टूबर को फरियादी ने अपने सीए से सभी दस्तावेज तैयार करवाकर विभाग को इसकी ऑनलाइन जानकारी भेज दी थी। इसके बाद आयकर अफसर श्रीजा अनिल कुमार ने उनके दस्तावेजों में कमियों का हवाला देते हुए 1,00,000 रुपए की मांग की और ऐसा नहीं करने की सूरत में 3,00,000 की पेनल्टी लगाने की बात भी कही। इसके बाद फरियादी महेश शर्मा ने सीबीआई के भोपाल दफ्तर में इसकी शिकायत की। जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने 1200 किलोमीटर का सफर तय कर शांति सद्भावना पदयात्रा 4 नवंबर को खजुराहो पहुंचेगी। इस यात्रा में एक 86 साल के बुजुर्ग तो एक दिव्यांग पदयात्री भी शामिल हैं। आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए कोपरगांव से 3 अक्टूबर को चले थे 150 पदयात्री। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने और आशीर्वाद पाने के जुनून में उनके भक्त किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं। जैसे ही 150 जुनूनी भक्तों का एक जत्था खजुराहो से करीब 1200 किलोमीटर दूर कोपरगांव से 3 अक्टूबर को पदयात्रा करते हुए खजुराहो के लिए निकला, ये पदयात्री सैकड़ों गांव कस्बे नगर होते हुए कुंडलपुर पहुंचे, जहां बड़े बाबा के दर्शन करने के बाद चल पड़े खजुराहो में विराजमान छोटे बाबा यानी आचार्य श्री के दर्शन करने। भक्तों का ये जुनूनी जत्था 4 नवंबर को अतिशय क्षेत्र खजुराहो में प्रवेश करेगा और आचार्य श्री के मंगल दर्शन करेगा। डॉक्टर सुमित प्रकाश जैन ने बताया कि बाल ब्रह्मचारी तात्या भैया के नेतृत्व में पदयात्रा कर रहे इस जोशीले एवं श्रद्धा भक्ति से भरपूर इस दल में एक 86 वर्षीय पदयात्री पारिसा कात्रेने शामिल है और एक पैर से दिव्यांग भक्त बाहुबली दानवाणी भी पूरी उमंग के साथ कदमताल करते शामिल हैं। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में लंबे समय बाद अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया। इसके पहले दौरे में फुटपाथों से अतिक्रमण हटाया गया। खजुराहो में स्वच्छ भारत अभियान पखवाड़े पर नगर परिषद के सीएमओ जबीर खान ने कर्मचारियों के साथ खजुराहो में अतिक्रमण और गंदगी को लेकर दुकानों का जायजा लिया। उन्होंने फुटपाथ पर अवैध रूप से रखी दुकानों का अतिक्रमण भी हटवाया। साथ ही सीएमओ ने कर्मचारियों को फटकार लगाई और अवैध रूप से संचालित दुकानों को चिन्हित कर सबको नोटिस देकर हटाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। नगर पालिका की रूटीन कार्यवाही है, दिवाली का त्यौहार नजदीक है और अव्यवस्था चूंकि लगातार लोग फैलाने में लगे हैं, अनाउंस के माध्यम से उन्हें रोका भी गया, सूचनाएं दी गई लेकिन उसके बावजूद भी नहीं मानने को राजी, तो मजबूर नगर पालिका ने अतिक्रमण खुद से हटाने का आज निर्णय लिया। फिलहाल समय एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।
चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अब भी के अब भी भेजो भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज है तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध एमपी बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध एमपी के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो। बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूं मैं तो। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गाँव-गाँव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तो जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजती हूँ ना भाजपा को प्लान। सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने,
सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूं। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूं और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चियों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने। सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छतरपुर के बरेठी में दिवाली के लिए घर की साफ सफाई कर रही एक महिला की अज्ञात व्यक्ति ने हत्या कर दी। महिला की हत्या फावड़ा मारकर की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। छतरपुर के बमीठा थाना क्षेत्र के ग्राम बरेठी में खेत पर बने अपने घर पर दिवाली की सफाई कर रही एक महिला की अज्ञात लोगों ने फावड़ा मारकर हत्या कर दी। घटना की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल के बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला पंजीबद्ध किया। 40 वर्षीय महिला भंती बाई घर में अकेली थी। उसका पति गांव में ही था जबकि बेटा पिपरमेंट की फसल बेचने के लिए बाहर गया था। तभी अज्ञात आरोपियों ने फावड़ा मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। घटना यही कोई दो तीन बजे के बीच ही हुई है। हाँ। सर में तो वहाँ अपने खेतों में मतलब पानी लगा रहा था फसल को और मेरे साथ एक और भी था कुशवाहा। क्या नाम उसका? राम किशन कुशवाहा है। क्या हुआ था? तो सर हम लोग वहीं बैठे थे, मैं अपना मोबाइल चला रहा था तभी कोई आवाज़ सी आई चीखने की, तो हम दोनों भागे वहाँ से कि कोई चीख रहा है। तब उस समय आए तो मतलब
वहाँ पर आम के पेड़ के नीचे एक मोटरसाइकिल खड़ी थी। तो मैं तो वो जानता नहीं था किसकी मोटरसाइकिल है, लेकिन जब हम लोगों ने अंदर आके देखा तो घर के अंदर एक लाश पड़ी है, जो वो औरत की लाश है। किसका नाम, क्या नाम उसका? नाम फिर भंती कुशवाहा है सर। फिर क्या हुआ? फिर सर हम लोग दोनों लोग हम लोग वापस लौट गए। हम लोगों ने कहा चलो किसी को बुला लाते हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लक्ष्मण कुशवाहा को बुला लाए और मतलब हम लोग चीखते गए तो बहुत सारी भीड़ आ गई। तब तक वापस आए, क्या देखा? तब वापस आए तो यहाँ भीड़ जुड़ी थी और वो उधर से वो एक झील है छोड़ी थी नरकटा है, वहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा था और हाँ फीट रहा था और बोल रहा था कि कौन 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 आ रहा था। वही कटु कुशवाहा। हाँ, क्या बोल रहा था? तीन लोग थे और मैं उनको ढूंढने गया था ऐसा बोल रहा था। बमीठा थाना क्षेत्र में कल दिन की बात है, एक महिला को दिन में 2:30 बजे करीब कुल्हाड़ी मारी थी, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी, उससे उसकी मृत्यु हुई है। इस पर से बमीठा थाना क्षेत्र में हत्या का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उस मामले में किसने घटना की है इस तरह की चीज़ों को लेकर के पूरी टीम एफएसएल सब लोगों ने वहाँ पर गहन जांच की है और हम शीघ्र ही इस मामले में जो आरोपी है उसके बारे में पता कर लेंगे और उसकी गिरफ्तारी करा लेंगे। हत्या की इस वारदात के दौरान महिला के घर के सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई थी। वहां से गुजर रहे दो लोगों ने जब महिला को मृत अवस्था में देखा तो तत्काल गांव की ओर दौड़े और ग्रामीणों को सूचना दी। आगामी चुनाव के मद्देनजर बिजावर में भी पुलिस ने गुंडा पकड़ अभियान शुरू किया। इस दौरान आदतन अपराधियों को पुलिस सीखचों के पीछे पहुंचा रही है। छतरपुर के बिजावर में चुनाव आदर्श आचार संहिता के चलते बिजावर पुलिस ने नैनताल रोड पर एक निगरानी आदतन बदमाश कल्लू खान उर्फ शहीद को गिरफ्तार किया। इसके पास से 315 बोर का कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस ने 2527 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से अवैध शस्त्र पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक कल्लू उर्फ शाहिद मुसलमान पिता नजर मुसलमान 36 साल ये जो है कट्टे आदि लेकर घूम रहा है। तो थाना प्रभारी जो है TI RP चौधरी एवं उनकी टीम के द्वारा नया ताल रोड बिजावर कॉलेज के पास में घेराबंदी करके इस आरोपी को वहाँ से पकड़ा गया। मौके पर इसके पास से सर्च करने पर 315 बोर का कट्टा एवं कारतूस बरामद हुआ। कल इस पूरे प्रकरण पर FIR कर दी गई है। FIR क्रमांक 244/18 है, हम जब्ती की। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल निजी दौरे पर बस्तर पहुंची, चित्रकूट की खूबसूरती का आनंद लिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से भी मुलाकात की। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल राजकोट पहुंची, यहां उन्होंने वाटरफॉल की खूबसूरती को निहारा और जमकर तारीफ की। इसके बाद वे गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे और वहां बच्चों से मुलाकात की। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी उन्होंने बच्चों को दिए जा रहे आहार की जानकारी ली। इसके अलावा उन्होंने शासन द्वारा लगाए गए बस्तर के विभिन्न कलाओं के स्टॉल का अवलोकन किया और इस हुनर में माहिर कलाकारों से भी मुलाकात की। इस दौरान बस्तर कमिश्नर धनंजय देवांगन, बस्तर कलेक्टर अय्यर तंबोली व जिला प्रशासन के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चलो चलो भाई फटाफट, 15 मिनट में तिलहरी पहुंचना है। कितनी बुकिंग्स मिल जाती है? साहब बुकिंग तो बहुत हो जाती है, लेकिन सारा बेनिफिट बाहरी कंपनियां ले जाती हैं। सोच रहा हूँ कि आइडिया भाजपा को दूं कि ऑटो रिक्शा को कस्टमर से जोड़ने वाली ऐप गवर्नमेंट खुद बना दे, ताकि हमारा बेनिफिट हमारी जेब में रहे। रोको रोको, क्या हुआ साहब? ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, अभी के अभी भेजो भाजपा को समृद्ध MP के लिए। लेट हो रहा है ना, मैं बाद में कर दूंगा। भाई तुम्हारे इस आइडिया से प्रदेश के ऑटो वालों का फायदा होगा, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है। बात तो आप सही कह रहे हैं साहब, शिवराज हैं तो हमें भरोसा है कि हमारा आइडिया सुना भी जाएगा और पूरा भी किया जाएगा। तो फिर समृद्ध MP बनाने में देरी क्यों करना, दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। प्रिय बहनों और भाइयों, मेरी सरकार का लक्ष्य विकास। यार समृद्ध MP के लिए एक शानदार आइडिया है मेरे पास। अखबार छपने की डेडलाइन खत्म हो रही है और तुम लोग बैठकर बातें कर रहे हो।
बातें नहीं सर, दरअसल मिलिंद अपना आइडिया शेयर कर रहा था समृद्ध एमपी के लिए। गुड, कोई इफेक्टिव आइडिया? हाँ सर, वही बता रहा था, आज का अखबार निकल जाए तो फिर कल शेयर करता हूँ भाजपा से अपना आइडिया। नहीं नहीं, पहले अपना आइडिया शेयर करो, अखबार के लिए तो रोज काम करते हो, आज प्रदेश के लिए काम करो। शिवराज हैं तो भरोसा कर सकते हैं कि हमारे आइडिया से पूरे प्रदेश को बेनिफिट मिलेगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में इतनी देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है? फसल बेचनी है ना, सोच रहा हूँ टाइम से मंडी पहुंच जाऊं। इस बार प्याज बंपर हुए ना? पिछले साल प्याज के दाम आसमान छू गए थे ना, तो इस बार सबने प्याज ही प्याज बोले, तो भाव थोड़ी ना मिलेंगे। अगर बुआई से पहले सरकार ये बता दे कि कौन से इलाके में कौन कौन सी फसलें बोई जाने वाली हैं, तो किसानों को कितना फायदा होगा। भाजपा को समृद्ध एमपी के लिए यही आइडिया देने वाला हूँ मैं। आइडिया अच्छा है तेरा, अभी बेच। तेरे आइडिया से यदि किसान भाइयों का जीवन समृद्ध बनता है तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और शिवराज है तो इस बात का विश्वास भी है कि हमारा आइडिया न सिर्फ सुना जाएगा बल्कि उस पर अमल भी किया जाएगा। तो प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। क्या बात है, आज हाथ बड़ी तेजी से चल रहे तेरे। आज छोटू को टीका लगाने जाना है और सोच रही हूँ पानी साफ करने का फिल्टर भी ले आए। साफ पानी तो सबको चाहिए। वैसे सुन, कितना अच्छा होता ना अगर सरकार सब्सिडी वाले फिल्टर गांव-गांव बंटवा देती। आइडिया तो बढ़िया है तेरा, चल अभी भाजपा को सुझाव भेजते हैं। अरे तू जा अभी टीका लगवाने, सुझाव तो कल भी दे देंगे। कल नहीं, अभी भेजेंगे हाथों हाथ। समृद्ध एमपी में अपने सुझाव से हर गांव हर परिवार का अगर फायदा होता है तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और शिवराज भैया हैं तो ये विश्वास है कि हमारे सुझाव से सबको फायदा होगा। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? तो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। सर, ये प्लान बनाया है, अगर इस टाउनशिप को हम जंक्शनलेस करते हैं तो ट्रैफिक काफी कम होगा। यानी बिना ट्रैफिक सिग्नल वाली टाउनशिप। गुड प्लान सर। आई वाज जस्ट थिंकिंग, अगर ये प्लान एमपी के शहरों में लागू हो जाए तो प्रदेश का कितना फायदा है। लो, भेजो समृद्ध एमपी के लिए। सर, प्रेजेंटेशन के बाद भेजते हो ना भाजपा को प्लान? सभी प्रेजेंटेशन तो होते रहेंगे, लेकिन अपने प्रदेश के लिए काम करने का मौका कब मिलता है। सर आप सही कह रहे हैं, और शिवराज है तो हमारे प्लान को काफी रिस्पेक्ट भी मिलेगी। तो फिर प्रदेश को समृद्ध बनाने में देरी क्यों करना? दो भाजपा को सुझाव का योगदान और फिर करो मतदान। मेरा सुझाव मेरा चुनाव, समृद्ध मध्य प्रदेश के लिए भाजपा से अपने आइडिया शेयर करें। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने, सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं
और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब मासूम बच्चों को हैवानियत से नोचा जाता है। गुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिक्र आता है। गुस्सा आता है जब मध्य प्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे ऊपर आता है। मैं मध्य प्रदेश की नारी हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है जब इस महंगी डिग्री के बावजूद मुझे नौकरी के लिए दर दर भटकना पड़ता है। अरे गुस्सा आता है जब स्टार्टअप कॉन्क्लेव, स्वरोजगार योजना और इन्वेस्टर समिट में रोजगार का झूठा वादा किया जाता है। आज भी याद है मुझे, हाथ जोड़कर कर्ज लिया था पापा ने। सोचा था नौकरी करके उनका बोझ हल्का कर दूंगा, पर आज खुद ही बोझ बन गया हूँ। मैं मध्य प्रदेश का युवा हूँ और रोजगार के झूठे वादे करने वाली इस भाजपा सरकार पर अब मुझे गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। गुस्सा आता है मुझे जब मुझे मेरी फसल का पूरा दाम नहीं मिल पाता है। गुस्सा आता है जब मंडी पर बैठा वो बिचौलिया मेरे पैसे खा जाता है। गुस्सा आता है जब कर्ज के बोझ में दबा एक किसान मौत को गले लगाता है। गुस्सा आता है जब मुआवजे के लिए मुझे हाथ फैलाना पड़ जाता है। गुस्सा आता है जब मेरे किसान भाइयों पर कोई गोली चलवाता है। मैं भी मध्य प्रदेश का किसान हूं और अब मुझे भी इस भाजपा सरकार पर गुस्सा आता है। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।